हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पावर ऑफ अ वाटर ड्राइंग पंप। जो पंप रिलेटेड सवाल होते हैं वो कैसे करते हैं, तो चलिए पहले थियरी पढ़ लेते हैं थोड़ी, बाद में एग्जांपल्स करेंगे। मान लो ये पंप है नीचे से, ठीक है ऐसा, ओके, और इसको ऐसे पहुंचाना है वी वेलोसिटी से, वो बाहर आ रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। और ये हाइट कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, एच है, ओके। तो मान लो ठीक डीएम मास का पार्टिकल ठीक है, वो ऊपर जाके ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो उस पर डी डब्ल्यू जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, डीएम जीएच होगा प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी का भी वर्क डन होगा वी स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अच्छा, और जब हम पावर लिखेंगे इसकी तो वो क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, जो कि हो जाएगा डी एम बाई डी टी इंटू जी एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, मतलब क्वेश्चन में क्या होता है, मेनली क्या होता है कि पावर जस्ट लिफ्ट द वाटर, अगर ऐसा बोला हो कि जस्ट ऐसे ऊपर तक पहुँचाना है, वी वेलोसिटी नहीं चाहिए, जस्ट लिफ्ट द वाटर में क्या होता है, तो ये ऊपर पहुँचाने, मतलब ऊपर जाके वेलोसिटी छोड़ना नहीं है, तो क्या होता है, ऊपर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो उस केस में पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी एम जी एच बाई डी टी। पर ये दोस्तों आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। और एक और बात कि अगर हम लिखें कि ईटा वो क्या है, एफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, कोई भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। पर क्या इसमें किसकी बात कर रहे हैं, पावर की, ठीक है, समझ में आ गया सबको, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो दोस्तों इसमें इसकी थियरी हो गई समाप्त, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि एक वाटर पंप है, पंप वो कितने से काम कर रहा है, 400 वाट से काम कर रहा है, जो कि उसकी पावर है, पावर का यूनिट कितना होता है, वाट होता है, जो कि आपको पता ही होगा, है ठीक है, पावर का यूनिट वाट होता है, ओके। अच्छा, और उसकी एफिशिएंसी हमको बोले, और उसकी एफिशिएंसी एक मिनट और उसकी एफिशिएंसी हमको दे रखी कितनी, 75% दे रखी है, ठीक है। अच्छा, और हमको बोला गया कि हाइट किधर तक पहुँचाना है उसको, जस्ट पहुँचाना है, ठीक है ना, वी वेलोसिटी से फेंकना नहीं है, 40 मीटर तक पहुँचाना है, ठीक है। अच्छा, और तो हमको बताना है कि वॉल्यूम 10 मिनट में, 10 मिनट्स में कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 मिनट्स में, मतलब कितना आएगा, 10 मिनट में कितना पानी बाहर आएगा, ठीक है, कितना पानी पंप होगा, ओके। तो ये हमारा सवाल है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हमने क्या सीखा था कि अगर सिर्फ कुछ लिखा ना हो तो वह क्या माननी है, वेलोसिटी जीरो माननी है, जस्ट रिक्वायर्ड, तो उसमें पावर क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, और उसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एम जी एच, ठीक है, और इसमें जी और एच कॉन्स्टेंट है, तो पी क्या हो गया, जी एच डी एम बाई डी टी। तो ये अब दोस्तों हमने फॉर्मूला ऐसे लिखा देखा ही था, ये वाला, ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला, ये हमने अभी देखा। तो हमको क्या दिया हुआ है, पावर कितनी है, 400, बट इनटू हमको 75% करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये पावर कौन सी, आउटपुट पावर है, कौन सी पावर है, आउटपुट पावर है। तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इधर से फॉर्मूला से निकालेंगे तो आउटपुट पावर ओपी लिख देता हूँ मैं, वो क्या होगा, ईटा इंटू इनपुट पावर होगा, ऊपर वाले फॉर्मूला से कितना होगा, 0.75 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा, 300 वाट, ऑलराइट, 300 वाट हो जाएगा, ओके, ये हो गया। तो आउटपुट पावर कितना है, 300 वाट, जी है मान लो 10 मान लेते हैं, और इंटू हाइट कितनी है, ऊपर कितनी दे रखी है हमको, 40 मीटर्स, अच्छा 40 मीटर्स इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो अगर इसको हम कट हो जाएगा, तो डी एम बाई डी टी हमारे पास क्या आ रहा है, डी एम बाई डी टी हमारे पास क्या आ रहा है, 3/4 केजी पर सेकेंड, ठीक है। ये डी एम बाई डी टी क्या है, एक सेकेंड में कितना मास फ्लो होगा, ठीक है, वन सेकेंड, ये क्या है, वन सेकेंड में कितना मास फ्लो होगा, तो वन सेकेंड में 3/4 केजी मास फ्लो,
3/4 kg मास फ्लोर है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 3/4 × 60 kg per minute होगा, kg per minute, क्योंकि हमको मिनट में फाइंड करना है ना। तो कितना हो जाएगा, 45 kg per minute, मतलब एक मिनट में 45 kg ऑफ वाटर पंप हो रहा है हमारा। हमको क्या पूछा था, वॉल्यूम 10 मिनट में कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, m बाय रो होता है, मास बाय डेंसिटी। अभी देखो हमको क्या पूछा है कि वॉल्यूम 10 मिनट में कितना होगा। अच्छा, तो इधर से दोस्तों अभी हम क्या लिख सकते हैं, 10 मिनट में एक मिनट देखना। तो अभी अगर हम लिखे dv/dt, अगर हम लिखे तो कितना होगा, dm/dt × 1/rho हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो dv/dt वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, वो कितनी है, 45 kg। अब kg को क्या करना है, kg को kg रहने देते हैं, ठीक है, पर मिनट है, ठीक है ना। ये कितना है पर मिनट, अच्छा kg पर मिनट, और रो हमारा कितना है, 1/1000 kg per m³। ऐसा हो जाएगा, चलो ऐसा नहीं लिखते, पहले ऐसा लिख लेते हैं, kg per m³। मैं यूनिट के साथ लिख रहा हूँ, इसके आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यूनिट के साथ लिख रहा हूँ। kg कैंसिल हो जाएगा, और dv/dt, जो dv/dt है हमारा, वो कितना आ गया, 0.045 m³/min, ठीक है। पर हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, वी डीवी को डीटी को इस साथ भेज देते हैं, तो 0.045 ये m³/min, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। कितने मिनट तक है, ये 10 मिनट तक। तो v = 0.045 × 10 min, तो नीचे मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम सीधा मिनट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 0.45 m³ आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप इधर से डायरेक्ट इधर पहुंच सकते थे, इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल, ये कांस्टेंट है, ये कितने क्या है, कांस्टेंट है। सिंपल वी को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो वॉल्यूम मिल जाएगा ना। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो कि हमको दे दिया गया, एक पंप को कितना पानी लिफ्ट करना है, 1000 kg ऑफ वाटर पर मिनट। इसका क्या दे रखा है, dm/dt दे रखा है, ठीक है, इतना हमको लिफ्ट करना है। ऑलराइट दोस्तों, अब हाइट कितनी दे रखी, कितने हाइट से लिफ्ट करना है, 20 मीटर डीप जो कुआं है, जो भी है, वो उससे लिफ्ट करना है। और कितने से लिफ्ट करना है, रेट क्या होना चाहिए, 20 m/s वेलोसिटी से लिफ्ट करना है। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 20 m/s। अच्छा, हमको पहला पार्ट क्या पूछा गया, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, हाउ मच वर्क कितना हो रहा है सिर्फ इसको लिफ्ट करने, पानी को सिर्फ लिफ्ट करने में वर्क कितना हो रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट दे दिया गया है कि वर्क कितना हो रहा है वेलोसिटी देने पर, मतलब काइनेटिक एनर्जी देने पर कितना वर्क हो रहा है, और तीसरा हमको क्या पूछा है कि हॉर्स पावर कितना होगा, हाउ मच हॉर्स पावर कितना रिक्वायर्ड होगा इस काम को करने के लिए। चलिए इसका आंसर पहला इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इस रेट से हमको पानी 20 m डीप वेल से ऊपर पहुँचाना है, ऐसे ये कोई कुआँ है, 20 इधर से पानी पंप हो रही है 20 m, ठीक है ना, 20 m डीप है, इधर से पानी पंप हो रहा है, और इधर से वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 20 m/s। और उनको पूछा गया कि लिफ्ट से पानी को लिफ्ट करने के लिए वर्कडन कितना है, पानी को वेलोसिटी दे मतलब यानी कि काइनेटिक एनर्जी देने के लिए वर्कडन कितना है, और हॉर्स पावर कितना रिक्वायर्ड होगा इस काम के लिए। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर्स ए पार्ट, देखो लिफ्ट करने के लिए मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो वो सिंपली क्या होता है MgH होता है, MgH, ठीक है। अभी m कितना है हमारा, 1000, ठीक है। आप आर्ग्यू करोगे पर मिनट है, पर ठीक है, हमको सिर्फ वर्क डन पूछा है इसलिए हम 1000 ले रहे हैं, ठीक है। × 10 × कितना है, ये हाइट है 20, तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये 2 है, ठीक है ना, 2 × 10^5 जूल, ये जूल में हो जाएगा पर मिनट, ठीक है ना, पर मिनट, क्योंकि ये कौन किस में, kg per minute में,
तो जूल पर मिनट हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा तो सेकेंड पार्ट कितना है काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ डी एम बाई डी टी, हाफ चलिए एम वी स्क्वायर होगी, एम वी स्क्वायर, ठीक है। और हमको एम नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, डी एम बाई डी टी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि ये डी के ई बाई डी टी कितना हो जाएगा दोस्तों, हाफ डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये हमने क्या निकाला, ये पर मिनट था, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी है नीचे इधर, तो डी एम बाई डी टी, ये क्योंकि यही वेरिएबल है, ठीक है, यही वेरिएबल है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी एच इंटू डी एम बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने निकाला वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का रेट है, कितना है पोटेंशियल एनर्जी का रेट है, ध्यान रखना ये बात है। अच्छा तो अभी हाफ हमको ये डी एम बाई डी टी कितना दे दिया गया है, 1000 के जी पर मिनट है, और वेलोसिटी है 20 इंटू स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो डी के बाई डी टी मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज ऑफ रेट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज ऑफ रेट कितना हो जाएगा, 2 × 10⁵ जूल पर मिनट, ठीक है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं पूरे ही सेम है, देखो पोटेंशियल एनर्जी है 2 × 10⁵ और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी, 2 × 10⁵ जूल्स पर मिनट। वैसे ये पूछा हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर के लिए तो हमें पहले पावर निकालनी होगी, पहले तो हमको क्या निकालनी होगी, पावर निकालनी होगी। तो पावर क्या होती है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है, मतलब ठीक है, तो हम सिंपली पी डी पी बाई डी टी को प्लस कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को सिंपली हम प्लस करके लिख दें, ठीक है, वर्क डन तो इतना ही होगा इन दोनों से, तो ये कितना हो जाएगा, डी पी ई बाई डी टी प्लस डी के ई बाई डी टी, ठीक है, समझ में आया सबको, ये वर्क डन किससे बना है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से बड़ा बना है। तो हमने ऑलरेडी डी पी बाई डी टी और डी के बाई डी टी निकाल के रख दिया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 10⁵ जूल पर मिनट में आएगा। तो अभी जूल पर सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना है, तो 4 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 60 जूल पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 2/3 × 10⁴ जूल पर सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, वॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पावर आगे किस में, एस आई यूनिट में, किस में आगे, एच आई एस आई यूनिट में। अच्छा और हमको पता है कि 1 horsepower क्या होता है, 1 horsepower क्या होता है, 746 watt होता है। ऑलराइट दोस्तों, तो 2 × 10⁴ watt कितना हॉर्स पावर होगा, तो ये हम सिंपली हम इसको सिर्फ डिवाइड कर देंगे यार बाय 746, तो ये हमारा हॉर्स पावर में आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं अभी नहीं कर रहा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। देखो ये था, ऐसा था, अभी हमको क्या पूछा था, वर्क डन पूछा था, पर वर्क डन तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हमको डी एम बाई डी टी दिया, इसलिए हमको डी पी बाई डी टी निकालना होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये आ गया आपको समझ में। फिर डी पी बाई डी टी क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ एम जी एच होता है। अभी जी और एच तो कॉन्स्टेंट है, इसलिए जी और एच बाहर निकल गया, डी एम बाई डी टी अंदर रह गया। तो डी एम बाई डी टी हमको ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना था, 1000 kg/min, और हमको उससे लिए निकाल लिया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, पर हमको एम तो पता नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डी एम बाई डी टी पता है, ठीक है ना, डी एम बाई डी टी पता है हमको, एम नहीं पता हमको, इसलिए हमने ये चीज़ की। तो काइनेटिक एनर्जी का रेट कितना आ गया, 2 × 10⁵ जूल पर मिनट, और टोटल पावर कितनी होती है, वर्क डन का रेट, और वर्क डन का रेट किससे बना है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से बना है, और उसका रेट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का रेट प्लस काइनेटिक एनर्जी का रेट, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 10⁵ जूल पर मिनट आ गया। देखो ये आ गया हमारा, अब ये तो मिनट में, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ सेकंड में होना चाहिए, तो डी बाई 60 करेंगे हम, इसलिए सेकंड में हो गया, और जूल पर सेकंड क्या होता है, पावर की यूनिट होती है कितनी, वॉट होती है, ठीक है। तो 1 horsepower कितनी होती है, 746 watt, तो ये कितना होगा, इतना हॉर्स पावर हो जाएगा। होप करता हूँ कि ये आपको पूरा मैंने जो समझा आज मैकेनिकल पावर का, ये आपको पूरा समझ में आ गया हो, ठीक है। बस इतने सवाल बनते, इसी टाइप के सवाल बनते इसमें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।